बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने के पाठक का फरमान लगातार देखने को मिलता है। ऐसे में नया नया फरमान वो लेते आते हैं। ऐसे में यह फरमान जो है के पाठक का जिस तरीके से जारी हुआ है, इसको लेकर शिक्षकों में हरकंप सा मचा हुआ है। शिक्षक जो है काफी आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं और डरे सहमे से भी नजर आ रहे हैं। मामला बता दे आपको कि शिक्षक जो बने हैं वर्तमान में उनसे जुड़ा है, और ऐसे में जो भी शिक्षक कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हैं या फिर चलाते हैं उनसे जुड़ा यह मामला है। ऐसे में देखा जाए तो नौकरी जाने की बात कही गई है। अगर सरकारी नौकरी में शिक्षा विभाग से शिक्षक बने हैं और तैनात वर्तमान में अनेक स्कूलों में सरकारी नौकरी कर रहे हैं और वो इसके अलावा कोचिंग पढ़ा रहे हैं या फिर कहीं कोचिंग खोलकर कहीं ना कहीं चलवा रहे हैं, तो उनकी नौकरी जा सकती है। और फरमान जिस तरीके से के पाठक आया है उसके बाद शिक्षकों में हरकंप है। ऐसे में बिहार के शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं खासकर स्कूली शिक्षा में सुधार को लेकर कड़क आईएएस अधिकारी के पाठक की कार्रवाई लगातार करते हुए देखता है। ऐसे में ताजा मामला सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों से जुड़ा है। सरकार की नजरें अब उन शिक्षकों पर है जो निजी कोचिंगों में भी कहीं ना कहीं पढ़ाते हैं। कोचिंग में पढ़ाने वाले ऐसे सभी सरकारी शिक्षकों पर के पाठक की नजरें हैं। सरकार ने ऐसे सभी शिक्षकों की सूची विभाग से मांगी है। सरकार द्वारा बिहार के सभी जिलों के डीओ से कोचिंग में पढ़ाने वाले ऐसे सरकारी शिक्षकों की सूची मांगी गई है। इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं जो आदेश जारी किया गया है उनमें शिक्षकों का नाम भी है। ऐसे में पदस्थापित स्कूल का नाम और कोचिंग के नाम के साथ पूरी जानकारी मांगी गई है। दरअसल सरकार के शिक्षा विभाग के प्राइमरी से लेकर जो प्लस टू तक के स्कूल हैं उसमें शिक्षकों को लेकर कहीं ना कहीं शिकायत मिलती है कि नौकरी में रहते हुए कई शिक्षक कोचिंग संस्थानों में भी पढ़ाते हैं। ऐसे में सरकार ने अब सरकारी सेवा में रहते हुए कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने का मूड बना लिया है और माना जा रहा है कि ऐसे शिक्षकों को सूची उपलब्ध होते ही देखा जाए तो विभाग उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में उनकी नौकरी तक जा सकती है। बता दें आपको कि शिक्षा विभाग ने सूची मांगी है और सूची किसी और ने नहीं के पाठक ने मंगवाया है। के माठक ने यह साफ कहा है कि जो भी शिक्षक वर्तमान में सरकारी नौकरी कर रहे हैं और शिक्षक वर्तमान में बने हुए हैं बिहार के अनेक जगहों पर वो पढ़ा रहे हैं, कार्यरत हैं, और कहीं ना कहीं इसके बावजूद कोई अनेकों संस्थान में अनेकों कोचिंगों में जाकर एक्स्ट्रा पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं और साथ ही अगर अपना कोचिंग खोले हैं तो उनकी सूची मेरे पास लाई जाए। सूची अगर आप देंगे तो उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। ऐसे में शिक्षा विभाग ने कहीं ना कहीं तमाम अनेक जिलों के डीओ को कहीं ना कहीं फरमान जारी कर लेटर जारी किया है जहां पर यह तमाम बातें कही गई है कि जो भी शिक्षक वर्तमान में अनेकों जगह पदस्थापित है और उसके अलावा वो कहीं ना प्राइवेट संस्थान में कोचिंग पढ़ा रहे हैं या फिर देखा जाए तो उसके अलावा कहीं ना कहीं अगर कोचिंग खोलकर बैठे हैं तो उनकी सूची दी जाए, उन पर कार्रवाई होगी। तो फिलहाल नौकरी भी उनकी जा सकती है जो भी शिक्षक वर्तमान में कार्यरत है और उसके अलावा एक्स्ट्रा कोचिंग खोलकर कहीं ना कहीं पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर। ऐसे में कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने बड़ा फरमान और कहीं ना कहीं नया फरमान जारी किया है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है इसको लेकर। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें आपको कि शिवदीप लांडे को IG बना दिया गया है। ऐसे में तमाम अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है भारतीय प्रशासनिक सेवा आयोग के द्वारा। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।